गोरे अर्जन विटो कुर्बानी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जीओ। जब लौ नहीं भाग लीलार उदय, तब लौ भरम ते फिरते बहुतायो। कल घोर समुंदर मैं बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार एह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्ब न आयो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्ब न आयो। जुगो जुग अटल चवर शतर तख दे मालक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र मुबारक हजूरी दे अंदर। पंचम गुरदेव पिता शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज तत्ती तवी ते बैठ कर भाणे नूं मिठा करके मनण वाले दीन दयाल सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन दे पातशाह जी दा पावन शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित हो करके लड़ीवार चल रही विचार विच हाजरियां भर रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, आओ विचारां दी आरंभता करन तों पहलां साहिबे कमाल बादशाह दरवेश सरवंसदानी पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी द्वारा बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे जीवन विच भावें कि बहुत सारे एहो जे कारज हन जिन्हां दा जिक्र तुसी पछलेरे समें विच वख वख विद्वानां पासों सुन चुके। दासरे नूं जो विशा दिता गया वो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपादना, क्योंकि एक ऐसा कारज सी गुरु अर्जन दे पातशाह दे जीवन विच जिस कारज दे नाल समुचे पंथ की भावना समुचे पंथ की श्रद्धा जिहड़ी सी वह जुड़ी हुई सी। धन गुरु नानक दे पातशाह जी ने जिस धर्म की शुरुआत की सी उस धर्म नूं आरंभ तो ही शब्द गुरु दे नाल जोड़ना कीता। जदों सतगुरु बाणी विच फरमाउंदे ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द नूं ही गुरु मन के दसे पातशाहियां ने शरीरक जामे विच शब्द गुरु दा ही प्रचार कीता। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उसे शब्द गुरु नूं दे विच्चों बाहर निकल करके साध संगत जी शब्द गुरु नूं गुरता गद्दी दे करके जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं साडे सदा लई गुरु बनाए। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दा मुढ भावें गुरु नानक दे पातशाह ने पोथी साहिब दे रूप विच बन्न दित्ता सी। जदों गुरु नानक दे पातशाह चार उदासियां ते गए
उन्हां चार उदासियां दे विच जिथे जिथे भी उन्होंने बाणी नूं उचारिया उस बाणी नूं एक पोथी विच दर्ज कर देंदे सन। भाई साहिब भाई गुरदास जी का बचन भी है, आसा हथ किताब कश। गुरु नानक पातशाह जी ने जेड़े 15 भगत जदों गुरु सतगुरु जी उदासियां ते जांदे सन उन्हां वख वख 15 भगतां दी बाणी नूं भी अपने कोल एकत्र करदे सन। इस तरह दो पोथियां गुरु नानक पातशाह जी दे कोल सन, एक पोथी उन्हां दे शब्दां दी ते एक पोथी 15 भगतां दे शब्दां दी। साध संगत जदों गुरु नानक दे पातशाह जी ने भाई लहणा जी नूं गुरु अंगद दे पातशाह जी दा नां दे करके गुरता गद्दी ते विराजमान कीता, उस वेले ओ दो पोथियां धन गुरु अंगद दे पातशाह जी नूं बाणी दियां सौंपियां। गुरु अंगद दे पातशाह ने किरपा कीती अपने गुरता गद्दी काल दे अंदर 63 श्लोक उचार करके अपनी बाणी जिहड़ी सी ओह दर्ज कीती। तीजे पातशाह दा इसे तरह लड़ी दे रूप विच आउणा ते ओह पोथियां गुरु अमरदास पातशाह कोल आ जाणी। गुरु अमरदास पातशाह ने भी पावन पवित्र गुरबाणी नूं उचारिया ते पोथियां विच दर्ज कीता। जदों गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी मिलदी है उस वेले ओह पोथियां धन गुरु रामदास पातशाह जी दे कोल आईयां ने। गुरु रामदास पातशाह जी ने अपने गुरता गद्दी काल दे विच 30 रागां दे विच बाणी उचार करके पावन पवित्र पोथी तैयार कीती। इस तरह साध संगत जी चलदियां चलदियां पोथियां जिहड़ियां सी ओह जदों गुरु अर्जन दे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी मिलदी है गुरबाणी दियां ओह पोथियां सारी दियां सारियां गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे कोल विराजमान हन, सुभाएमान। उस वेले गुरु अर्जन दे पातशाह दा जिहड़ा समां है उस वेले बाबा प्रिथी चंद जी गुरता गद्दी दे लई जद्दोजहद करदे ने। आपस दे विच कई तरह दे बखरेवें झगड़े पैदा करदे हन ते उन्हां झगड़ियां विच्चों एक झगड़े दा जिक्र यह भी आउंदा है कि जदों गुरु अर्जन दे पातशाह जी ने अमृतसर सरोवर दे विचकार दरबार साहिब की उसारी कीती, सतगुरु दे कोल बाणी दियां पोथियां भी हन पर उस वेले बाबा प्रिथी चंद जी ने एक चाल कह लईए कि अपने पुत्र मेहरवान नूं तैयार कीता है, क्योंकि मेहरवान लिखण विच माहिर सी। मेहरवान नूं तैयार करके उन्हें आखिया सी साडे कोल जिहो जिहा दरबार साहिब गुरु अर्जन दे पातशाह ने बनाया उहो जिहा दरबार साहिब दी नकल करके बाबा प्रिथी चंद ने अपने सहुरे पिंड हेर विच दरबार साहिब तैयार कर लिया सी। दुख भंजनी दी थां ते दुख निवारण तैयार कीता। साध संगत इस तरह करदियां होइयां उन्हां कोल जे घाट सी ते ओह बाणी दी सी। मेहरवान जी ने उस वेले रचनावां तैयार कीतियां पर जिहड़ी उसने साध संगत मिलावट कीती सी ओह गुरु नानक पद दी सी। रचना मेहरवान दी होणी, आखरी पदियां विच उन्हें नानक शब्द वरतण। जिमें आपां आम गुरबाणी पढ़ते हाँ, गुरबाणी पढ़दे होया अज भी असी वेखते हाँ हर शब्द के अखीर विच गुरु साहिबान दे नानक पद आउंदा है। भगतां दी बाणी विच भगतां दा नां दा जिक्र आउंदा है। साध संगत पर मेहरवान ने शब्द अपना उचारना ते अखीर विच पद नानक पा देना। अज भी तुसी संसार विच वेखदे हो बहुत सारियां पंगतियां इहो जीआं ने जिहड़ियां आम साध संगत साडे परिवारां विच समाज विच वरतियां जांदियां ने, पर 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओह पंगतियां अज दर्ज नहीं हन।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, 1430 ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਮੀਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਲਾ। ਉਹ ਮੀਣੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਥੀ ਚੰਦ ਹੁਰੀ ਰਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। 1602 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1602 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1602 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ
कि गुरु अर्जन दे पातशाह दा सब तो पहला जप बाणी नू दर्ज करन दा अर्थ सी कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जिथे उस एक परिपूर्ण परमात्मा दी गल है उत्थे उस एक परमात्मा नू उदे सिमरन नू करन दी बात भी समझाई गई, जप नाल जोड़िया गया, उदे बंदगी उदे सिमरन नाल जोड़िया गया। जदों अज भी तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा कोई भी शब्द पढ़ते हो जिथे सतगुरु दी बाणी सानू समाज विच रहना सिखाउंदी है उत्थे साडे जीवन दे मनोरथ दी गल भी करदी है ते नाल दी नाल सानू उस परिपूर्ण परमात्मा नाल जोड़न दा भी उपदेश दृढ़ कराउंदी। साध संगत, गुरु ने नितनेम दीयां बाणियां दर्ज करन तों बाद फिर रागां दी शुरुआत कीती है। सब तो पहला राग सतगुरु ने श्री राग पाया, फिर उस विच पहले गुरु दी बाणी, फिर जे दूसरे गुरु दा कोई सलोक सी फिर दर्ज कीते, फिर तीजे गुरु चौथे गुरु, एवें तरतीब दित्ती गई। फिर साध संगत जी उस अंदर भगतां दी बाणी अष्टपदियां छंद ये सारा कुछ दर्ज करदे सतगुरु जा रहे। उस वेले कुछ सिखां ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पुछिया भी सी, भाई साहब जी ये दसो भी जदों तुसी बाणी दर्ज करदे हो तुहानूं किवें लगदा कि ये सच्ची बाणी है कि कच्ची बाणी। तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने उस वेले ये शब्द आखे सन, कहिंदे वेखो जिवें कई मनुख बैठे होण, किसी पत्नी नूं पुछिया जाए कि ये दस बिना देखिया कि इस सारे मनुखां विच तेरा पति भी बैठा होए, कहिंदे उस कोल इक्को इक साधन हुंदा है, उस आ रही आवाज़ां विच्चों वो बड़े ध्यान दे नाल आवाज़ नूं पहचान जांदी है कि सचमुच मेरा पति है इस इकट्ठ विच या नहीं है। साध संगत उसे तरह जिहदी सुरत जुड़ी होवे, जिहड़ा अंदरों इकमिक होवे, वह जान जांदा है कि ये सच्ची बाणी है कि कच्ची बाणी। गुरु अर्जन दे पातशाह जी ने सब तो वध समा जिहड़ा लग्या है गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर तरतीब देण विच, वो इतिहासकार लिखते ने सब तो वध समा वारां लिखण विच लगे, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी तो पहला ये वारां जिहड़ियां सी कल्लियां पौड़ियां सन, पर गुरु अर्जन दे पातशाह ने किरपा कीती इन्हां वारां दे विच पौड़ियां दे नाल ढुकदे होए सलोक भी दर्ज कीते ने। अज भी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर दो वारां इहो जिहियां ने जिन्हां विच इकल्लियां पौड़ियां ने उन्हां विच सलोक दर्ज ने। एक तां सत्ता ते बलवंड जी दी वार है ते दूसरी है बसंत की वार, जिहदे विच इकल्लियां पौड़ियां ने सलोक दर्ज ने। गुरु अर्जन दे पातशाह जी ने इन्हां वारां दे नाल सलोक दर्ज करके फिर अखीर दे अंदर तुसी कदे पढ़े हो, जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़दे हो सुणदे हो अखीर विच किधरे शब्द आउंदा है, वारां दे अखीर विच ही आएगा या शुद्ध कीचे, उहदा अर्थ है भी जदों सतगुरु जी ने वारां दे नाल सलोक दर्ज कीते उस वेले सतगुरु ने बकायदा दुआरे उन्हां सारियां नूं चैक करके अखीर विच फिर शुद्धता दी निशानी ला दित्ती है। भाव गुरु जी ने जिहड़ियां सलोक वारां विच लगण तों बच गए, तुसी जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़दे हो अखीर विच इक शब्द आउंदा है, सरलेख आउंदा है सलोक वारां ते वधीक, उहदा अर्थ है जिहड़े सलोक वारां तों वधे सन गुरु ने अखीर विच जाके गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज कीते हन। इन्हां दिनां विच जदों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी संपादना हो रही है उस वेले चार जिहड़े भगत सी शाह हुसैन पीलू कान्हा साध संगत ये छज्जू वर्गे भगत उस वेले गुरु अर्जन दे पातशाह कोल आए सन कि सच्चे पातशाह साडी बाणी भी दर्ज करो। गुरु जी ने उन्हां दी बाणी नूं सरवण कीता ते नाल ही नाल सतगुरु जी ने निर्णा कर लिया सी, क्योंकि ये बाणी वो सी जिदे विच कदे हंकार की गल नहीं कीती गई, ये बाणी वो सी जिदे विच इस्त्री नूं बहुत उच्चा रुतबा दिता गया सी, ये बाणी वो सी
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਉਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਲੇਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੋਰਠ ਕੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।